जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए हम तैयारी करते हैं, तो वुदू करते हैं, तो वुदू से पहले हम बैतुल खला जाते हैं, तो तब जी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमको हाजत है, लेकिन जब नमाज शुरू करते हैं और नमाज के आखिरी हिस्से में, तशहुद में या आखिरी रकात में हाजत महसूस होने लगती है, तो फिर अब ऐसे में क्या नमाज को तोड़ दे या नमाज जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, और अगर नमाज को तोड़ दे तो फिर पूरी नमाज अदा करनी पड़ेगी। जी शेख, देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि जब हम वजू करना होता है तो बैतुल खला जाते हैं, तो इससे इससे सुनने वालों को ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि वजू करने से पहले बैतुल खला जाना जरूरी है। बैतुल खला आप उस वक्त जाते हैं जब आपको जरूरत महसूस होती है, चाहे वजू करने से पहले हो या किसी भी वक्त हो, इसका वजू से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आवाज आ रही है शेख अरशद मेरी? जी शेख, आवाज आ रही है, आपकी आवाज साफ है। हाँ। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर किसी को हाजत है बैतुल खला जाने की तो पहले वो बैतुल खला जाए, अगर हाजत है उसको तो अपने आप पर वो जबर ना करे, पहले बैतुल खला जाए, फारिग हो जाए, उसके बाद नमाज पढ़े। यहां तक कि अगर आपकी जमात भी छूट रही हो और आपको बैतुल खला की जरूरत है अशद, तो आप जमात भी छूट जाने दीजिए, आप पहले बैतुल खला से फारिग होइए, उसके बाद फिर आप जाकर के नमाज पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बैतुल खला की हाजत है किसी को तो उसे पहले फारिग होना चाहिए, फिर नमाज में जाना चाहिए। इसकी हिकमत यह है कि ऐसा ना हो कि जब आप नमाज में जाएं तो आप मुतमईन ना रहें और आपको परेशानी और बेचैनी रहे, ताकि आप नमाज को इत्मीनान के साथ और खुशू और खुजू के साथ अदा करें। जब आप नमाज में गए और आप नमाज पढ़ने लगे, आपको नमाज में अगर बैतुल खला की जरूरत महसूस होती है तो जाहिर है ये आप ही बता पाएंगे कि आपको कितनी जरूरत है। क्या आपको इतनी जरूरत है कि आपका इत्मीनान मुतासिर हो रहा है, आपकी खुशू और खुजू मुतासिर हो रही है, आप सही से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं? अगर आपको इतनी ज्यादा जरूरत है तो आप नमाज को तोड़ सकते हैं, आप नमाज तोड़ करके जा करके अपना हाजत वगैरह से फारिग होइए, फिर आप दोबारा नमाज पढ़िए नए सिरे से, आप नए सिरे से दोबारा नमाज पढ़िए। लेकिन अगर वो आपकी हाजत ऐसी है कि उसको आप थोड़ा सा 2-4 मिनट डिले कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, आपके खुशू खुजू या इत्मीनान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप नमाज को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद कजाए हाजत के लिए जाइए। तो ये फर्क है, डिफरेंस है हालात में, जो है आपको जरूरत कैसी है उस पर डिपेंड करता है। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर नमाज दोबारा पढ़ना पड़े और पूरी नमाज पढ़ना पड़े तो शेख, फिर ये वो मतलब नफ्स पे भारी होता है कि एक नमाज कंप्लीट होने आई थी, फिर हम ने तोड़ दी नमाज हाजत की वजह से, फिर बाद में फिर से शुरू से नमाज पढ़ना, तो फिर वो खुशू और खुजू नमाज में नहीं आता है। देखिए सिस्टर, ये जो मसला जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, आप ये बताइए कि क्या कोई इंसान दुनिया में ऐसा है जिसको रोजाना ऐसे होता है? भाई, अगर आपको जी रोजाना ऐसे हो रहा है तो आप सब कुछ फारिग होकर के इत्मीनान से जाइए ना। ये मसला जी कभी ऐसा है जो कभी कभी ही पेश आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि उसको रोजाना पांचों नमाजों में ऐसे होता है। और अगर पांचों नमाजों में होता है तो इसका मतलब कोई परेशानी है, उसको कोई मसला है, उसका इलाज करवाए। और नफ्स पे भारी होने वाली, तो जब आपने नमाज को बीच में छोड़ दिया तो नमाज को सही कौल के मुताबिक आपको दोबारा पढ़ना है, जब आपने नमाज बीच में तोड़ दिया अपनी किसी जरूरत की वजह से। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कंप्लीट। जी शेख जी, जजाकुमुल्लाह। जजाकल्लाह।